हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज हम लोग जो ऑब्जेक्टिव का सीरीज कंटिन्यू किए हैं उसका आगे वाले वीडियो देखते हैं, और उसमें हम लोग जो 10 क्वेश्चन देखे थे उससे आगे का क्वेश्चन हम लोग इस वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। इसमें जो भी अभ्यर्थी इस बार 2023 में मैट्रिक के एग्ज़ाम देने वाले हैं उन सारे स्टूडेंटों के लिए यह ऑब्जेक्टिव बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाले हैं। यह मॉडल पेपर पर ही आधारित है, क्योंकि इसमें सारे ईस्वी का मेंशन किया हुआ है कि कौन से सवाल किस ईस्वी में पूछा गया है। और हम ऑब्जेक्टिव आपको इस तरीके से माइंड में सेटअप करवा देंगे कि आपको एग्ज़ाम में कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा, और हम हर एक टॉपिक का शॉर्टली थ्योरी दिया हुआ है, जिससे आपकी उस टॉपिक का शॉर्टली थ्योरी पढ़ लीजिएगा तो उसका ऑब्जेक्टिव आपका मैक्सिमम ऑब्जेक्टिव आपको कवर हो जाएंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, जो कि मेरा सामाजिक विज्ञान में फर्स्ट, इतिहास में हम लोग देख रहे हैं यूरोप में राष्ट्रवाद। इसमें हम लोगों ने फर्स्ट वीडियो में 10 क्वेश्चन तक देख लिए थे, क्वेश्चन नंबर 10 तक। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 से देखते हैं, और यदि जिसने नहीं देखा वो प्लेलिस्ट में जाके वो पिछले वाला वीडियो देख सकते हैं। तो आज देखते हैं मेरा जो अगला क्वेश्चन है वो क्या है। 11 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन हंगरी की राजधानी है। तो हंगरी की राजधानी क्या है, तो बुडापेस्ट। क्या है हंगरी की राजधानी? बुडापेस्ट। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। जैसे कि हमने इसमें भी लिखे हुए जिक्र किए हुए हैं कि हंगरी की राजधानी कहाँ, मतलब सारा कुछ दिया हुआ है। उसके बाद है कि हंगरी की अधिकांश जनता क्या बोलती है। दोनों क्वेश्चन के एक रिलेट किए हैं, एक जगह रखे हैं ताकि आपको क्लियरिफिकेशन हो सके। जैसे ही हंगरी की बात आई, हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट, और अगला ही क्वेश्चन पूछ रहा है कि हंगरी की अधिकांश जनता कौन सी भाषा बोलती है। जैसे पूछा जाए कि भारत की अधिकांश जनता कौन सी भाषा बोलती है, तो भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा क्या है? हिंदी है। उसी तरह हंगरी में जो सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा है वह कौन से हैं, तो आप लोग जानते ही होंगे, मैग्यार जो भाषा है वहाँ की सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। सन 1870 में फ्रांस और पर्सा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था। 1870 में जो युद्ध हुआ था फ्रांस और पर्सा के बीच में, तो वही पूछ रहा है कि किस जगह पे हुआ था। तो कहाँ हुआ था, तो कंबोडिया में। कहाँ हुआ था? कंबोडिया में फ्रांस और पर्सा के बीच युद्ध हुआ था। वैसे बेसिकली आपको पता होना चाहिए कि इंडो चाइना हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे, तो उसमें कंबोडिया, वियतनाम और लायोस तीन जो टापू है उसी पर, मतलब कि वो चैप्टर आधारित है। और कंबोडिया पर भारत का अधिकार था, और बेसिकली वियतनाम और लायोस पर चीन का अधिकार था। वो हम लोग नेक्स्ट, मतलब चैप्टर में देखेंगे। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, कि काउंट काबुल विक्टर एमोनियल को किस पद पर नियुक्त किया था। सेनापति, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या फ्रांस के राजदूत। तो विक्टर एमोनियल को जो नियुक्त किया गया था वह किस पद पे, तो प्रधानमंत्री के पद पे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। तो ये मेरा करेक्ट आंसर हो गया। उसके बाद हम लोग देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन, जो कि बहुत अच्छा क्वेश्चन, अभी तक बहुत बार यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि इटली के एकीकरण का तलवार किसे कहा जाता है। गैरिबोल्डी को, काबूर को, मेजनी को या बिस्मार्क को। तो यदि हम लोग, आप लोग यदि ये चैप्टर को, मतलब कह सकते हैं लॉन्ग क्वेश्चन देखे होंगे, हमने पढ़ाए भी है, उसमें हमने सारे कुछ बताए थे कि इटली के एकीकरण में मेजनी को क्या कहा गया था, मसीहा कहा गया था। और उसके बाद हम यदि बात करें काबुर की, तो उसको क्या गया, एक अच्छे राजनीतिक माना गया था। और गैरिबोल्डी को क्या माना गया था, इटली का तलवार माना गया। तलवार इसलिए कि गैरिबोल्डी चाहता था कि, मतलब कि लॉ नीति अपनाना चाहता कि, मतलब मार काट कर ही हम क्या करेंगे, इटली का एकीकरण कर लेंगे। क्योंकि हमने इसे पहले वाला क्वेश्चन में देखे थे कि इटली का एकीकरण जो उसके पड़ोसी राज से कह सकते थे, देश से, वह नहीं होने देता था। जैसे ऑस्ट्रेलिया था वह इसके विरुद्ध में था। उसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, कि इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश में आते हैं। इटली और जर्मनी को आप लोग तो जान ही गए कि उसमें कैसे, मतलब वहाँ पे एकीकरण हुआ, कब एकीकरण हुआ, किसके द्वारा हुआ। इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि वह किस महादेश के अंतर्गत आता है। ये सारे जितने भी हैं, इटली, जर्मनी, फ्रांस, इंग्लैंड, ये सारा कौन से महादेश में आता है, तो यूरोप महादेश में। मैक्सिमम जो इस तरीके नाम आपको सुनने में आएगा वो सब कहाँ आता है,
कि यूरोप महादेश में, और जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि 7 महादेश है, एशिया, यूरोप, और उसके बाद उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, उस और अफ्रीका, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया अलग है, ऑस्ट्रेलिया एक देश था तो इस प्रकार। और उसके बाद हम कह सकते हैं कि उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका, तो वैसे नाम से भी क्लियर है। वैसे उसमें और भी बहुत सारे देश थे, लेकिन जो इटली, जर्मनी कह सकते हैं, फ्रांस और यूरोप, ये सारे किस में आते हैं, तो सॉरी रूस, ये सब किस में आते हैं, यूरोप महादेश में आते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17, जो कि 2018 में पूछा भी गया है कि किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ। तो ये पूछ रहा है कि किस युद्ध के बाद जर्मनी का जो एकीकरण था वह पूर्ण हो गया, मतलब हो गया था। तो वह हम कह सकते हैं, तो मेनली किस युद्ध के बाद हुआ था, तो पर्सा और डेनमार्क में जो युद्ध लड़ा गया था उसके बाद ही इसका क्या हुआ था, जर्मनी का एकीकरण हो पाया था। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि 18 नंबर क्वेश्चन नंबर कि मेजनी का संबंध किस संगठन से, डायट, कार्बोनरी, लाल सेना या फिलिक हेटारिया। तो मेजनी का जो संबंध था वो किससे था, तो कार्बोनरी से, लाल सेना ट्रॉस्की के द्वारा गठित किया गया एक सेना था, लेकिन मेजनी का संबंध किससे था, तो कार्बोनरी से। किससे मतलब कह सकते हैं इस तरह से, इसी के द्वारा, मेजनी के द्वारा ही यह संगठित किया गया था, कार्बोनरी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 है कि रॉक लॉ नीति का अवलंबन किसने किया था, मतलब रॉक लॉ जो नीति थी उसका कौन मानते थे और किसने इस नीति को अपनाया था, तो किसके द्वारा ये अपनाया गया था, तो बिस्मार्क के द्वारा। किसके द्वारा, बिस्मार्क के द्वारा। तो इसका ऑप्शन कौन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएंगे। उसके बाद जो मेरा इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन है, जो यूरोप में राष्ट्रवाद है, इसका लास्ट ऑब्जेक्टिव देख सकते हैं, और इससे बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। इतना क्वेश्चन आप पढ़ लीजिएगा, इस टॉपिक से आपका सफिशियंट क्वेश्चन है, इससे बाहर आपका क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। तो लास्ट क्वेश्चन मेरा है कि 1829 में एंड्रियानोपल की संधि किस देश के साथ हुआ था। फर्स्ट ऑप्शन मेरा है तुर्की, सेकेंड ऑप्शन है मेरा यूनान, थर्ड ऑप्शन है मेरा हंगरी, और जो डी मेरा फोर्थ ऑप्शन है वो क्या है, तो पोलैंड। तो 1829 में जो एंड्रिया की संधि हुई थी वो किसके साथ हुआ था, तो तुर्की के साथ हुआ था। तो मेरा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। तो आई थिंक आप लोगों ने ये सारा क्वेश्चन अच्छे से समझ गए होंगे, और सारे मैंने डिटेल से आपको बता भी दिया कि कैसे आपको मतलब कहाँ पे क्या हुआ था। उसके बाद हम लोग जो नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव देखेंगे वो सेकेंड अध्याय का देखेंगे, जो कि नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। जो मेरा नेक्स्ट अध्याय है, अगला टॉपिक है इतिहास का, वो क्या है, समाजवाद एवं साम्यवाद। और हम दोनों को एक अच्छे तरीके से क्लियर करेंगे, बहुत ही अच्छे वे में, कि समाजवाद किसे कहते हैं और साम्यवाद कहते हैं। आज के बाद दोबारा उसको समझने की आपकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी आप लोग, इसलिए हम ये अभी दिखा रहे हैं। ये चार्ट को आप लोग, जो थ्योरी वाला चार्ट है, इसको अच्छे से देख लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा और एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। वैसे हम कल इसको रिवाइज करवा देंगे, उसके बाद हम लोग ऑब्जेक्टिव की तरफ बढ़ेंगे। तो इतना पढ़ लीजिएगा तो आपका सारा ऑब्जेक्टिव कवर हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी तक के लिए इतना। यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिएगा, क्योंकि इस चैनल से आपको निश्चित रूप से फ़ायदे होंगे।